हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सीआईएसएफ की तरफ से एक जॉब का अपडेट निकाला गया है, हेड कांस्टेबल जीडी का। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग भर सकेंगे फॉर्म को, फीस क्या होगा और फॉर्म को किस तरह से भरना है, ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना है। मैं बता दूं, आप सभी लोग भर सकते हैं, ऑल इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोग आवेदन को कर सकते हैं। तो कैसे भरना, चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका फाइनल एडवर्टाइजमेंट निकल कर आ चुका है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट 2019 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं पोस्ट नेम यहाँ पर देख सकते हैं आप, हेड कांस्टेबल जीडी ओनली फॉर इस पोस्ट कोटा मेन एंड वुमेन। जी हाँ, मेन और वोमेन दोनों लोग यहां पे आवेदन को कर सकती हैं, जिसमें आपको यहां पे क्वालिफिकेशन जो होगा वो स्पोर्ट्स कोटा, जी हाँ खेल कूद कोटा के लिए यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप आवेदन को करना चाहते हैं तो नवंबर महीने से जो है ये आवेदन शुरू कर दिया जा चुका है, जी हाँ, और इसका अंतिम तारीख जो है 17 दिसंबर 2019 है, शाम 5 बजे तक आप इसका आवेदन को कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन से अगर आप भर रहे इस फॉर्म को तो 24 दिसंबर तक जो है आप इस आवेदन को कर सकते हैं, और इसमें जो है एग्जाम का डेट अभी क्लियर नहीं बताया गया है। और देखिए, फीस की बात कर ले तो ओबीसी और जनरल को जो है यहां पे 100 रुपए लगेगा, एसटी एससी फीमेल के लिए कोई भी यहां पे फीस वगैरह नहीं है। और फीस को किस तरह से आपको यहाँ पर करना है वो बता देते हैं। देखिए, ये फॉर्म जो है ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो है आपको फी पेमेंट करना है, जी आपको बैंक में जाकर या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर 100 रुपये का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और आपको जो है फॉर्म भर कर भेजना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। देखिए, सबसे पहले जॉब लोकेशन की बात कर ले तो ऑल ओवर इंडिया है। एज लिमिट की बात कर ले तो 1 अगस्त 2019 के अनुसार मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 23 है। और अगर आप एस टी एस सी है तो देखिए एस टी एस सी में 28 साल है, ओबीसी 26 साल तक के लोग भर सकते हैं, और डिपार्टमेंटल मतलब अगर सर्विसमैन अगर आप है तो आप 40 साल तक के लोग आवेदन को कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर पोस्ट जो है 300 पोस्ट पर भर्ती का अपडेट निकल कर आ चुका है। अब देखिए, आपको बताते हैं यहाँ पर कौन कौन लोग आवेदन को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पोर्ट्स का यहाँ पे सब्जेक्ट बता देता हूं। देखिए, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, बास्केटबॉल है, गिमनास्टिक है, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल है, जूडो है, कबड्डी है, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं शूटिंग है, स्विमिंग है, उसके अलावा वॉलीबॉल है, वेट लिफ्टिंग है, रेस्लिंग है, उसके बाद देखिए टेकवांडो है। तो ये सभी आपका जो है कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है। ये जो लोग किए होंगे कोर्स वही लोग आवेदन को कर सकते हैं। पे स्केल 25,500 से लेकर 81,100 यहाँ पर लेवल 4 पर आपको मिलने वाला है। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या होगा इसमें, देखिए मिनिमम 12 पास, जी हाँ 12 पास वाले लोग आवेदन को कर सकते हैं। 12 पास अगर आप है तो इस आवेदन को कर सकते हैं। इसमें क्या आपका हाइट वगैरह है वो सब जान लीजिए। देखिए, हाइट जो है मेल को 167 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए चेस्ट है 81 से 86 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है। और इसमें रनिंग भी आपका होगा, देख सकते हैं 3.2 किलोमीटर इन 14 मिनट है, और फीमेल के लिए देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर इन 8.3 मिनट। तो ये आपका जो है इतना देर आपको दौड़ना पड़ेगा। आपको जो है 1600 मिनट लड़की लोग के लिए है, और आप देख सकते हैं लड़का के लिए जो है 3 किलोमीटर के लगभग 14 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आवेदन को करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा वो सब जान लीजिए। देखिए, आवेदन को करने के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो 2 आपका चाहिए, क्वालिफिकेशन का मार्कशीट सारा कुछ आपको चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट वो भी मांगा जा रहा है। अगर आप जनजाति में हैं, अगर आप कोटा में आते हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट, ये सभी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पर ट्राई टेस्ट है, उसके बाद देखिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, फाइनल सिलेक्शन है, डीवी है। तो ये सभी आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा तभी आप इसमें जो है सिलेक्शन हो पाएंगे। फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, उसमें सारा डॉक्यूमेंट लगाइए, फॉर्म को भरिए, फोटो लगाइए और आप जो है इसको पोस्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके जो है आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हमें उम्मीद है सारी जानकारी सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।